खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आगे रामगंज इलाके में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने अब घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने की कवायद तेज कर दी है। इसी बीच पुलिस ने भी कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में सख्ती दिखाई है। पर कोटे में बिना कर्फ्यू पास के न किसी की एंट्री हो रही है और न ही किसी भी शख्स को बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। रामगंज इलाके में हालात का जायजा लिया सहयोगी काशीराम चौधरी और सत्यनारायण शर्मा ने। जयपुर का रामगंज बाजार कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और उसे देखते हुए राज्य सरकार ने यहाँ सख्ती से कर्फ्यू लागू किया हुआ है। पर कोटे के सभी हिस्सों में कर्फ्यू लागू है। ये जो बड़ी चौपड़ का हिस्सा है जहाँ पर पर्यटकों की और जयपुर वासियों की बड़ी भीड़ जुटी रहती थी, आज वो पूरी तरह से सूना नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोगों की जो चहल पहल है वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि केवल ज़रूरत के कुछ वाहन ही यहाँ पर निकल रहे हैं। हमारे साथी सत्यनारायण शर्मा जो लगातार यहाँ पर निगरानी देखते रहते हैं, सत्य किस तरह से पूरे इंतजाम है पुलिस के द्वारा? देखिए पूरा परकोटा सील है, हम बताना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि ये रामगंज बाजार है जो हम पर चहल पहल रहती थी, लेकिन आज यहाँ इक्का दुक्का वाहन भी नहीं दिख रहे, जो ये बयां करते हैं कि अब कितनी सख्ती पुलिस की है। हालांकि अब लोगों ने जो सर्वे करने वाली टीम उनका सहयोग करना शुरू कर दिया है, टीमों के साथ सहयोग कर रहे हैं पुलिसकर्मी जो स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, और लोगों से अपील की जा रही है माइक लगा के कि अपने अपने घरों में रहें और जो सर्वे टीम और जो चिकित्सा टीम यहाँ आ रही है उनका पूरा सहयोग करें। फिलहाल की स्थिति ये करीबन 7,000 से अधिक परिवारों का सर्वे हो चुका है और उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है काशीराम जी। और पुलिस के द्वारा जैसे अलग अलग जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं, हर जगह पर पुलिस एक बार किसी भी निकलने वाले को रोक रही है, तो उसमें कितने लोगों को कितने वाहन जब्त तब तक हो चुके हैं? करीबन 340 से अधिक वाहन जब्त हो चुके हैं, 262 से अधिक टोल नाके बनाए गए हैं पूरे परकोटे के अंदर, जिससे कि यहाँ आने और जाने वालों पर नजर रखी जा सके। उद्देश्य केवल एक है कि कोरोना महामारी को हराना और साथ साथ जो फालतू में लोग घूमते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना। 144 की कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी की जा रही है, उनके वाहन जब्त किए जा रहे हैं और यही कारण है कि आज ऐतिहासिक हवा महल भी बिल्कुल सूना पड़ा है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी आने आ रहे, रामनवमी का त्यौहार है, लोग अपने अपने घरों में पैक है और जो सर्वे टीमें चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो घर घर जाके उनकी स्क्रीनिंग कर रही है। अब जाके सहयोग मिलना शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि जल्दी सर्वे का काम रामगंज बाजार में पूरा हो जाएगा। ऐसी शिकायत सामने आ रही थी कि जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं उनके साथ मारपीट हो रही है, पुलिस उनके साथ नहीं जा रही है, तो क्या उन पर अब पुलिस साथ जा रही है? देखिए 3 दिन पहले शिकायत आई थी रामगंज इलाके में कि चिकित्सा विभाग की टीम के साथ मारपीट हुई, उसके बाद में पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन परसों के बाद में आज तक 2 दिन के अंदर हजारों लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी, सर्वे हो चुका, लेकिन अभी तक कोई मारपीट की घटना सामने नहीं आई है, बल्कि लोग आगे बढ़कर अब पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग की टीमों का सहयोग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्दी स्क्रीनिंग कार्य पूरा हो जाएगा। यानी कि ये जो परकोटे का हिस्सा है, बड़ी चौपड़ वाला हिस्सा जो रामगंज को जोड़ता है और जो छोटी चौपड़ आगे और कई जो बाजार हैं, प्रमुख बाजार त्रिपोलिया बाजार, इन सभी बाजारों में अब पूरी तरह से कर्फ्यू लागू है। यहाँ पर कोई बिना पुलिस की आज्ञा के निकल नहीं सकता है और जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं अब उनको पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है, पुलिसकर्मी उनके साथ जाकर अब सर्वे कार्य को पूरा करवा रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ और सहयोगी सत्यनारायण शर्मा के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। वही कोरोना